नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर में 11 और लोग हुए कोरोना पॉजिटिव, कुल शहर में संख्या पहुंची 92। उल्लासनगर में शुक्रवार को कैंप नंबर 3 के खन्ना कंपाउंड में 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले खन्ना कंपाउंड में एक शख्स की मौत हो गई थी। उसकी रिपोर्ट आने के पहले ही इनके परिवार के लोग उनका पार्थिव शरीर लेकर नियमों की अनदेखी करके उन्होंने उस शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसकी रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद मनपा प्रशासन की तरफ से इनके परिजनों को क्वारंटाइन किया गया था। उन्हीं लोगों में से आज 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके अलावा उल्लासनगर 1 के सेंचुरी हॉस्पिटल में कुछ दिनों पहले एक औरत की मौत हो गई थी, उनकी भी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं एक और व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, वह किस परिसर का है यह पता नहीं चल पाया है। पहले शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 81 थी, पर आज के यह नए 11 मरीज मिलने से शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 92 हो चुकी है। और कोरोना से मरने वालों की संख्या जो पहले 4 थी, लेकिन आज वह 5 पर पहुंच चुकी है। और अब तक उल्लासनगर के कोविड हॉस्पिटल से टोटल 15 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। आज कोरोना मरीजों की संख्या उल्लासनगर में 92 हो गई है। आज करीबन 11 मरीज बढ़ गए हैं। 4 लोगों को वो ठीक होने की वजह से घर छोड़ दिया गया है और हमारे यहाँ आज तक की फिगर में 15 लोग ठीक होके घर गए हैं। 5 लोगों की डेथ हो गई है और 72 लोगों के ऊपर इलाज शुरू है। सर, जो आज पेशेंट मिले हैं, नए पेशेंट जो मिले, ये कहाँ के हैं? इनमें से 2 छोड़ के बाकी सब एक ही जगह पे खन्ना कंपाउंड से है, जहाँ की 1-4 दिन पहले एक व्यक्ति मृत हो गई थी। उसके रिलेटिव्स जो है, वो 9 रिलेटिव्स आज पॉजिटिव पाए गए हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।